नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल में दही के आलू। तो ये मैंने तीन आलू लिए हैं, जिनको मैंने बारीक थोड़ा टुकड़े करके रख लिया है, और ये उबले हुए आलू हैं। और ये मैंने दही लिया है, तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा दही डाल देंगे, थोड़ा दही डाल देंगे। अब दही को मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी आलू में, ये इस तरह से मिक्स कर लूंगी। ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने ये दो चम्मच तेल लिया है। अब हम गैस चालू कर देते हैं, तेल गरम। अब ये तेल गरम हो गया, इसमें मैं एक चम्मच जीरा डाल रही हूँ, और ये जो है एक चम्मच मैंने गरम मसाला डाला इसमें, और इसमें अब थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी इसमें बाजार में ही डालना चाहिए, अगर ज्यादा हल्दी हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो हरांदे हरांदी सब्जी लगती है, इसलिए बाजार में ही हल्दी डाल देना। अब ये हमारा मसाला, अब ये आलू जो है दही में भिगो के रखे, ये इसमें डाल। ये वाले आलू बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बिल्कुल जैसे शादियों में बनते हैं उस हिसाब से। इसमें अब मैं आंच को तेज कर देती हूँ, थोड़ा सा इसमें दही और आलू अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तब मैंने ये थोड़ा सा दही बचाया है, इतना सा, इसमें थोड़ा पानी डाल के फिर इसका झोल बनाएंगे हम। ये देखिए, अब हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छी अब्जॉर्ब हो गई है, दही और आलू अच्छे मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है, बस ये ऐसे सादे आलू आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब ये इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें दही में, और फिर मैं इसमें डालूंगी। अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए, हमारे दही के आलू बिल्कुल तैयार हैं। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक उबाल आएगा और हम बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारा ये आलू की सब्जी, दही वाले आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि दही जो है फट जाता है पहले से बघार लगा देते हैं, तो आलू के अंदर मिला के दही को फिर बघारना चाहिए, फिर वापस से ऊपर से दही की ग्रेवी बनाकर डाल देना चाहिए। तो ये हमारे आलू तैयार हैं। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, और अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया। अब ये हमारे आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है, और कहीं से भी देखिए, कहीं से भी दही की जो वो है, दही फटा नहीं है, और बहुत अच्छी ग्रेवी बनी है। तो यदि आपको मेरे दही वाले आलू का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।